सो गाइज, आज के दिन की शुरुआत कुछ इस टाइप से है कि जो है आज डे टू है वैसे ब्लॉग का, तो ये घर वही, हम भी वही और कपड़े भी वही, नहाया वाया है नहीं क्योंकि यहाँ पर आजकल थोड़ा मौसम बारिश का और थोड़ा ज़्यादा ठंड वंड का है, तो उसमें क्या होता है कि भाई ठंड में नहाया नहीं जाता। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं पीछे की, ये शायद मैं ऑलरेडी वैसे पीछे वीडियो में डाल चुका हूँ। और आज थोड़ा कटिंग वटिंग जो होती है घास वास की, वो जहाँ पर खेत में खाना वाना बनेगा, और बाकी थोड़े लकड़ियाँ भी काटेंगे जिससे मतलब आग जलाने का काम आएगा जो खाना बनाने के लिए। और कुछ इस टाइप का व्यू पीछे की साइड आप देख सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर व्यू आ रहा है, गाँव में आने के मज़े ही कुछ और है भाई। और वीडियो ना बना के ले जाऊँ तो तब तो बेकार ही है, क्योंकि क्या होता है कि दिल्ली जब चले जाते हैं तो आपको फिर आपकी यादें इसी के थ्रू दिखती है और किसी के थ्रू नहीं। तो आप देख सकते हैं पीछे, और इसको मैं वैसे भी दिखा सकता हूँ, चुप जाएंगे इनके पैरों में चिल्ले। और यहाँ पर घास की कटिंग हो रही है जहाँ पर खाना वाना बनेगा, और यहाँ पर देख सकते हैं, देख सकते हैं पापा हुक्का पी रहे हैं, और कुछ यहाँ पर हुक्काबाजी चल रही है, और थोड़ा बहुत यहाँ पर लकड़ी की कटिंग हो चुकी है जो कि खाना बनाने के काम आएगा। खेत वैसा अभी मेरे को लग रहा है ठीक ही है, छोटा भी लग रहा होगा, छोटा वैसे पर आगे तक कटेगा तो वहाँ तक फिर वो ठीक हो जाएगा, मतलब चौड़ा खेत है। और यहाँ पर भी नीचे लोग लगे पड़े हैं, नहीं वो तो मुझे पता, खड़े खड़े वो सामने हमारा प्राइमरी स्कूल है जिसमें मैंने भी 5वीं क्लास तक पढ़ रखा है, उसके बाद मैंने सरायखेत पढ़ा था, उसके बाद फिर मैं 6-7 से मैं दिल्ली में पढ़ने लग गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर हमारे वहाँ पीछे जो है बांज के पेड़ काफ़ी सारे हैं, और यहाँ पर काफ़ी मतलब घना जंगल है पीछे, इससे ऊपर भी गाँव है, वो भी आप कभी अगर मैं अभी ऊपर जाऊँगा तो उसको भी मैं कभी शूट करूँगा आपके सामने और वीडियो दिखाऊँगा। वैसे तो ऑलमोस्ट आपने देख ही रखा होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना घना जंगल है पीछे, और ये गाँव कुछ बाखली जो होती है हमारे गांव की ऊपर है, कुछ लोग वहां ऊपर रहते हैं। और यहां पर जो आप, मैं आपको थोड़ा गांव वाँव बता देता जो मेरे को याद है यहां पर, तो सबसे जो मेन पहले यहां पर पड़ता है जैसे यहां से जो दिखता है वो सामने सियालदे है, सियालदे जहां पर मतलब यहां पर जो भी मतलब गवर्नमेंट के कुछ काम होते हैं वो सारे वहीं पर ही होते हैं ज़्यादातर मेरे हिसाब से। और दूसरा जो यहाँ पर है मेन मार्केट, ये इको खेत है, और उसके बाद यहाँ पर ये चनोली है, ये जो सामने दिख रहा है आपको, और ये भनेरी है मल्ला, उसके बाद उसके नीचे किलानी तल्ला भनेरिया जो भी है नीचे, और सबसे नीचे वहाँ पर सेरा है, एक सेरा गांव है यहाँ पर, तो वो भी सबसे नीचे वहाँ पर है। इस साइड भी शायद आगे उस साइड में जाके सिम गाँव ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे गाँव हैं, और इस पहाड़ के पीछे सरायखेत है। और यहाँ पर वैसे घर की डेकोरेशन हो रही है, तो घर की डेकोरेशन करके थोड़ा लड़ी वड़ी लगा रहे हैं, और ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर हम छत में जाके भी लड़ी लगा रहे हैं, तो इसका भी व्यू आपको लास्ट में दिखेगा कि लाइट में ये मतलब नाइट में कैसा लगेगा, तो नाइट में आप देखना इसको ज़रूर। यहाँ से नीचे की साइड काफ़ी नीचे गहरा है, और यहाँ ऊपर देख सकते हैं आप पहाड़ी, और पीछे की साइड सारा मतलब अच्छा व्यू आ रखा है सारी जगह, ऊपर की साइड और ये नीचे की साइड। चलो आगे चलते हैं अब। और गाइस मैं यहाँ पर जा रहा हूँ अपने चाचा की लड़की को लेने, परी को, तो वो स्कूल से आ रही है सामने से, तो जो आप स्कूल शायद देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल है, तो वहाँ से वो आ रही है, तो अभी सारे स्कूल के बच्चों को भी आपको दिखाता हूँ।
हेलो करो गाइस। और ये स्कूल के बच्चे अभी अकबर कर रहा है। तो बच्चे अब कम ही है इस स्कूल में, क्योंकि सारे बच्चे मेरे हिसाब से अब दूसरे स्कूल में जाते हैं, यहाँ वाले स्कूल में कम बच्चे हैं। तो ये बच्चे सारे अब घर को जा रहे हैं हाय बाय बोल के, तो शायद आपको अच्छा लगेगा। तुम कह कह गाँव चिरे तुम तो तुम हल्का इसका जाने अकबर नगर जो है तो? अच्छा ईद उतर तो हमारे गाँव से अरे बैक नगर जो नाक्षी दिन कैन बढ़ जान नगर जो न। अच्छा मेल बढ़ जान है, चला चला फिर। और देखो गाइस ये व्यू आप देख सकते हैं बच्चे के स्कूल का जहाँ से ये आते हैं। और पहाड़ों की लाइफ में काफ़ी अच्छा होता है वैसे, क्योंकि यहाँ का जो नेचर और जो भी पॉल्यूशन वोल्यूशन कुछ नहीं होता, तो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। तो यहाँ पर सारा व्यू आप देख सकते हैं। और खेतों में आजकल ये झुंगरा कोदा जो भी चीज़ें आजकल यही हो रखे हैं, और खीरे वीरे हो रखे हैं, वो अभी है नहीं घर पे, वो बाहर लगा रखे हैं। तो घर पे मतलब जो जो चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट मैंने सारी आपको दिखा चुका हूँ। तो बाकी की चीज़ें अगर मेरे को कुछ और इंटरेस्टिंग मिलेगा तो मैं आपको वो भी आगे मतलब मिलता रहेगा। तो आप देखते रहिए इस ब्लॉग के साथ, आगे आपको और चीज़ें क्या पता मेरे हिसाब से मिलती रहे। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मैं हर चीज़ अच्छी अच्छी बनाते रहूँ। और यहाँ पर क्या है कि पहाड़ों के रास्ते में चलते चलते सांस ही फूलने लग जाती है। तो गाइस आप सबको तो पता ही होगा। और ये है गांव की गिरगिट, देख सकते हैं आप, ये छतों में रहती है यहाँ पर। गाइस अब यहाँ पर हम क्वाद कूटेंगे, तो आपने देखा ही होगा, आपको अगर जिसको पता होगा यहाँ पर मतलब जो गांव में खेती बाड़ी होती है तो उससे ये क्वादा वादा निकाल के लाते हैं, क्वादा वादा कूटते हैं। तो ये देखिए इसमें मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है, तो आप देख सकते हैं कितना मेहनत लग रही है। तो आपको ऐसे इतना फील नहीं हो पा रहा होगा, पर जब आप खुद करेंगे इस चीज़ को तो आपको जरूर, मुझे लगता है कि थकान जरूर होगी, क्योंकि मेरे को भी दो तीन बार करने के बाद मेरे को ऐसी थकान होगी, तो मेरे को ऐसा लग गया कि भाई कितना मेहनत कर दी मैंने। सुहास भैया बढ़िया कूटड़ा छी, भाई जी कूटड़ा छी, मेरी चाची को कॉल हां का को कॉल मैं आई यू आगे में बूम। अब भाई जी कूटड़ा छी धमा धम। अब हमार गो मकवा द हुन तुम ब्याल तो तुम रुका देखो अब थक गई हूं। देखिए गाइस यहां पर कैंडी एंड कितने सुंदर सुंदर हैं। कैंडी 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 कैंडी। और गाइस यहां पर हो चुके हैं जो जहाँ पर खाना वाना बनेगा वहाँ पर कटिंग हो चुकी है। और यहाँ पर कैंडी एली एंड मम्मी पापा भी हैं। सो कैसा लग रहा है आपको, देखिए यहीं पर बनेगा खाना, यहीं पर खाएंगे सारे लोग। अभी यहाँ पर थोड़ा इसको जलाया जाएगा, सुबह देखा था आपने वैसे सुबह इसकी कटिंग हो रही थी। और ये यहाँ पर कौन आ गए भाई, दो बालक, प्रिया इधर को देख। तो कैसे हो दोस्तों, और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी लगे हैं काम करने के लिए। वाओ वाओ वाओ। और यहाँ पर सारे काम करने के लिए लग रखे हैं। और यहाँ पर देखिए गाइस ये भी हैं कुछ कुछ जने, ये पर इनमें आप जान नहीं रहे। सो यहाँ पर दादी लोग भी हैं, गोलू की, गोला खाला की। और देख सकते हैं, देखिए गाइस यहाँ पर क्या दिख गया मुझे, वाओ
यहाँ पर लग रखे हैं गांव के केले, यहाँ पर गांव के केले लग रखे हैं, देख रहे हैं। ये चीज क्या होती है मेरे को आज तक नहीं पता, ये शायद इसका फूल होता है जब ये स्टार्टिंग उगता है, उसके बाद इस पे केले लगते हैं। यहाँ पर इस पे कहाँ लगते हैं यार परी, इस पे केले कहाँ पर लगते हैं, केले कहाँ पर लगते हैं उससे पता बता, वहां पर वहां पर केले लगते हैं, तो केले लगते कैसे, उसका नीचे वाला वो क्या है परी, क्या चीज चू, मैं तो केला लगा अच्छी यार, ये तो केले लगी चू, हाँ तो कहा था पता चू, अरे जता पता ऑल, और तू ये वो पहन नहीं चाहे, चलो बढ़िया बढ़िया। और यहाँ पर सामने गोला घर, नमस्कार बुबू, क्या के? अच्छा हाँ अभी ऑल। और यहाँ पर सभी अपने घर में लोग लगे पड़े हैं काम करने पे, और यहाँ पर केले कितने सारे हैं, लग रहा है ना केरला में आ रखे हैं, पर ये केरला नहीं, ये है उत्तराखंड। और यहाँ पर ये मौसम्बी का पेड़ है, और ये चीज ये भी मौसम्बी का पेड़ है, देख सकते हैं छोटे छोटे मौसम्बी आ रखे, क्यूट क्यूट छोटे छोटे, नींबू है ये, अच्छा ये नींबू है, और ये केले के पेड़ है नीचे, गाइस यहाँ पर देखिए घसेरिया आ गए हैं रुद्रप्रयाग से, रुद्रप्रयाग से आ चुके हैं घसेरे, सो गाइस ये आप देख सकते हैं आज रात का, ये शाम से मैं ये काम कर रहा था लड़ी लगाने का, तो कैसी लग रही है देख सकते हैं आप, ये सारे डेकोरेशन मेरी, और एक हमारे साथ में है क्या नाम था यार, लक्की, लक्की ने लक्की होके लक्की वाला काम कर दिया। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर रात का खाना बन रहा है, और ये इस साइड से, और इधर का अभी वैसे आगे की भी शायद लड़ी लगाएंगे हम, बाकी देख ही सकते हैं नाइट का व्यू, सुंदर फोकस लड़ी, अच्छा फोकस हो रहा है बिल्कुल, अब ये देखिए आप, सो गाइस रात हो चुकी है, और आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।